तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं सीताफल का पेड़ हमको यहाँ पर मिल चुका है। बहुत सारे पेड़ है भाई इस जंगल में। वाह, पेड़ पे जो फल पकता है ना यार, वो बहुत ज्यादा मीठा लगता है। सुपर यार, ऐसा मीठा ये लग रहा है। दिखा सकता है कैमरामैन आपको कि भाई पूरा का पूरा थैला भर चुका है सीताफल से, ये जो अंदर बहुत सारे पड़े हुए हैं। पूरा वीडियो देख लो, मजेदार है। तो गाइस आप देख रहे हैं अभी हम घर में, और अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं वो तो भाई आपने वीडियो में देख लिया। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं घर से, और भाई जहाँ पर जाने वाले है भाई सीताफल के जंगल में जाने वाले, हमारे पास के एरिया में है बहुत सारे सीताफल लगते हैं उस जंगल में। तो फिलहाल भाई इस वीडियो में हम सीताफल के जंगल पर भाई हमला करने वाले हैं। तो चलिए भाई जाते हैं और वहाँ पे जाके आपको। चलिए यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, हम घर से जा रहे हैं भाई, ये नाला बीच में आ रहा है और सामने मेरी बाइक खड़ी है, तो वहाँ तक चले जाते हैं जल्दी जल्दी से। और देखिए भाई इधर आगे जाएंगे, ये अपन की बाइक है और इधर से जाने वाले हैं भाई। चलिए पूरा सीन दिखाते हैं जंगल में जाके। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जंगल में अभी हम इंटर करने ही वाले हैं भाई, इंटर करने ही वाले हैं। अभी क्या करेंगे भाई कि ये तो सारा चीज भाई घर से निकले तो यहाँ पर भाई पूरा पहनना पड़ता है, क्योंकि रास्ता मैंने आप लोगों को दिखाया भाई गांव का जो रास्ता होता है काफी खराब होता है, और ऐसे में जो धूल वहां पर जो उड़ रही थी भाई क्या बोलो भाई, लड़कियां जो पाउडर लगाती है ना जो अपने चेहरे पे, तो ये देसी पाउडर था यार, और चेहरे पे लग गए तो बात ही गई यार। तो काफी ज्यादा यहाँ पर देखा जाए तो भाई बहुत खतरनाक वाली चीज थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन में हम लोग घूम रहे थे। तो फिलहाल भाई सारा कुछ मैंने यहाँ पर निकाल दिया, क्योंकि भाई रास्ता बहुत खराब था और धूल बहुत ज्यादा उड़ रही थी, तो ऐसे में थोड़ा बहुत हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे चेहरे को, और भाई कपड़े तो वैसे भी बिगड़ जाते हैं धूल। ज्यादा मजा आएगा, अभी हम जंगल की तरफ जाएंगे, अभी कैमरामैन आपको दिखा देगा कौन से रास्ते से जाने वाले हैं। तो पीछे आपको रास्ता दिख रहा है और उधर हम जाने वाले हैं और उधर से सारा कुछ काम होने वाला है, तो चले जाते हैं।
तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं सीताफल का पेड़ हमको यहाँ पर मिल चुका है। बहुत सारे पेड़ है भाई इस जंगल में, आप लोग इसको सीताफल का पेड़ बोलते होंगे, शरीफा बोलते होंगे या फिर कस्टर्ड एप्पल बोल लो। तो चलिए भाई इस पेड़ के अंदर जाएंगे और भाई गांव के लोग तो भाई उड़ा के ले गए। इधर क्या होता है भाई, बकरियां चराने के लिए आसपास के गांव के लोग जंगल में आते हैं, गाय चराने के लिए आते हैं, गैया चराने के लिए आते हैं, तो भाई वो लोग तोड़ के चले जाते हैं। तो फिलहाल हमारे हाथ में कितना आता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए तो अंदर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और दिखाने की आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल भाई ये एक चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लगे हुए छोटे से भाई, और ये भाई हमारे हाथ लग चुका है, एक लगा है और बहुत सारे यहाँ पर पेड़ है भाई, तो हमारे हाथ खाने के लिए तो काम आ जाएंगे भाई, बहुत सारे मिल जाएंगे हमको। आगे भी एक यहाँ पर देख रहा है, आप देख सकते हैं बहुत सारे लगे हुए हैं, फिलहाल आपको दिख रहे नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये फिलहाल एक है, तो इसको हम तो अरे भाई ये तो पक्का हुआ है यार, अरे यार पका हुआ है भाई, क्या बात है, पका हुआ मिल गया हमको भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया भाई, मुझे तो भाई मुंह में पानी आ गया भाई, सच में बोल रहा हूँ यार। तो भाई इसको मैं तोड़ रहा हूँ अभी, एक और है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको मैं तोड़ता हूँ, आप लोग देखिए क्या कमाल का चीज़ है, और इसको हम खाएंगे यार। वाह यार वाह 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 वाह, कैसा दिख रहा है भाई, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर। तो एक तो मैं दे दूंगा, मेरे साथ एक छोटा बच्चा है जो दिखा सकता है भाई कैमरामैन, और एक जो यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा है, तो फिलहाल इसको मैं दे दूंगा, लो भाई खाओ, और दूसरा जो है कैमरामैन को दे देंगे, और फिलहाल हम इसको खा लेते हैं यार, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मुँह में पानी आ गया है। तो आपको दूसरे भाई शरीफ है तो बाद में बताएंगे जो भी सीताफल बोल लो, लेकिन पहले तो हम इसको खाएंगे, तब तक के लिए वीडियो को बंद करते हैं। तो गाइस यार यहाँ पर आप लोगों को क्या ही मैं बताऊँ भाई, अकेले खाने में क्या मज़ा आता है भाई, आप लोगों के साथ खाएंगे, दूसरे दो लोग हैं उन्होंने तो खा के ख़त्म कर दिया, मैंने उसको बोला भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, पेड़ पे जो फल पकता है ना यार वो बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, अगर इसको हम घर पे लेके जाएंगे कच्चे फल को उधर जाके पकाएंगे घर पे, तो वो इतना ज़्यादा मीठा नहीं लगता है, लेकिन अब पेड़ पे पका हुआ मिल गया हमको तो भाई सुपर यार, ऐसा मीठा ये लग रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत कमाल का। तो मैं इसको जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, आपका टाइम मैं ज़्यादा यहाँ पर वेस्ट नहीं करूँगा यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे तो, ये भी लग रहा है कि भाई आप लोगों के मुंह में भी भाई पानी आ गया होगा, 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ भाई पानी तो आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए जो भी हो भाई बाजार से खरीद कर खा लेना आप लोग, और चाहो तो भाई मुझसे मांग लेना मैं दे दूँगा, ठीक है कोई बात नहीं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला, चाहिए तो आ जाओ, देखो बहुत सारे हैं हमारे पास, और इस थैली में भी आधी थैली भर दी हमने, पूरे के पूरे इसमें डाल देंगे, अरे भाई बोला करना, तो इसमें डाल दिया, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर ऊपर जिनको मैं भी तोड़ने वाला हूँ। देखिए भाई ये तो मैंने थैली में डाल दिए और दूसरे में यहाँ से तोड़ रहा हूँ, देखिए और तीन मिल गए, और तीन यहाँ पर हमको मिल गए, तीनों के तीनों डाल देंगे, और चेक तो हम करते हैं जब भी तोड़ते हैं, पक्का तो नहीं मिला, सारे के सारे कच्चे घर पे पका के खाएंगे, ऐसा नहीं घर पे पका के खाएंगे तो मीठे नहीं लगेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो और ज़्यादा आगे जाएंगे जंगल में भाई, हम चाहे तो एक क्विंटल तोड़ सकते हैं, बहुत सारे तोड़ सकते हैं, 50 किलो तोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा जंगल कौन घूमेगा यार, तो यहाँ पर हमको जितने चाहिए खाने के लिए उतने तोड़ेंगे फिर घर पे भाग जाएंगे।
क्या बात करे यार, ये देखो दूसरा मिल गया, दूसरा भी खाएंगे भाई, पक्के सीताफल भी हमको बहुत सारे मिल गए। हमारा नसीब भाई बहुत अच्छा है, भगवान को लगा भूखे शेर है तो इन लोगों को खाने के लिए कुछ दे देते हैं, तो ये जो मिलते हैं मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है ना, देखो भाई कितना अच्छा है, कमाल की चीज़ है, एक नंबर। इसको कैसे खाते हैं भाई हमें पता नहीं, देसी तरीके से खाने से बहुत मज़ा आता है यार, देसी लोग और देसी तरीके से खाएंगे। ये दोस्तों जंगल का एनवायरनमेंट है, उधर सामने की तरफ जाएंगे इधर तो और ज़्यादा जंगल में हम चले जाएंगे, ज़्यादा जंगल में है नहीं लेकिन थोड़े बहुत घुस गए हैं और ये पूरा जंगल ही है, अगर आगे आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अंदर चले जाएंगे, हर जगह देखो तो जंगल, चारों तरफ जंगल मैं आपको दिखाता हूँ। और इधर भाई हम लोगों ने अपनी बाइक खड़ी की है जहाँ पर वो छोटा लड़का खड़ा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे भाई, इधर घूम लेंगे जो सीताफल के पेड़ है उनको, जंगल ही जंगल है। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा ये थैला हमारा भर चुका है, दो तीन पेड़ अभी घूमे हम सीताफल के, इतना हमको मिल चुका है और अभी ज़्यादा घूमने वाले हैं, पूरा का पूरा ये फुल हो चुका है, इससे बड़ा थैला हम लाए नहीं है। तो फिलहाल भाई दिखा सकता है कैमरा मैन आपको कि भाई पूरा का पूरा थैला भर चुका है सीताफल से, ये जो अंदर बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, छोटे बच्चे इधर आ जा भाई तू, और ये थैला पकड़ो और चैन भाई ये वाली बंद कर दो, ये वाली ऊपर वाली, और नीचे वाली में इधर हम क्या है खुला हुआ है सारा, ये गिर जाएगा तो पकड़ना पड़ रहा है मुझे, तो फिलहाल ये जगह है थैले में क्योंकि थैली तो भाई फुल हो गई, तो अभी क्या करेंगे पूरा का पूरा इसमें खाली कर देंगे हम। तो चलो भाई खाली करते हैं, कर दिया खाली, यहाँ पर पकड़ो 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 पकड़ो, खाली हो गया पूरे के पूरे, जो सीताफल थे जा चुके बैग में, इसको लेके वापस जाएंगे, वापस दूसरे तोड़ के आते हैं। चलिए काफ़ी अच्छा पानी है और मछलियाँ भी इधर इतनी बड़ी बड़ी मिल जाती है, लेकिन हमारा वो इरादा नहीं है मछलियाँ पकड़ने का, हम सिर्फ यहाँ पर सीताफल तोड़ने आए हैं और वहीं तोड़ेंगे, और ज़्यादा कोई जंगल में मगनमारी नहीं करेंगे, तो हमको मगनमारी चाहिए नहीं दूसरी। फिलहाल हम करेंगे दोस्तों जंगल में मंगल करेंगे, चलिए। तो गाइस यहाँ पर देखा जाए जितने तोड़ने थे हमने तोड़ लिए, ज़्यादा नहीं खाएंगे, बहुत ही कम खाएंगे, हमारे लिए तो भाई 30-40 सीताफल बहुत हो गए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे भाई इधर पानी है और गांव के जो लोग
अपनी जो गैया होती है बकरिया होती है चराने के लिए जंगल में लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बना के रखा है, पूरे शिवलिंग की तरह दिख रहा है। और ये जो चीज़ है देखिए यहाँ से पानी बह रहा है, आप देख सकते हैं पूरा अंदर जा रहा है। तो ये चीज़ क्यों बनाते हैं गांव में, आप लोगों ने देखा होगा जो गांव में रहते हैं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि भाई ये जो है पीने का पानी है, जो रेत होती है रेत को खोद देते हैं वो लोग, हाथ से ऐसे ऐसे खोद देते हैं, फिर अंदर से जो पानी निकलता है, ये जो पानी निकला है वो पीने के लायक होता है। और अंदर वाला है उसको यहाँ के लोग यानी कुछ लोग पी लेते हैं कुछ लोग नहीं पीते, लेकिन ये अच्छा पानी कहलाता है और इसको लोग पीते हैं, ठीक है। तो आपने नदी पर भी ऐसा देखा होगा कि नदी अंदर है, नदी से दूर कुछ लोग खोदते हैं ऐसे रेती को और वहाँ से पानी निकलता है और वो पानी पीने के लिए काम आ जाता है। फिलहाल मैं भी इसको पीने वाला हूँ। कमाल का पानी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पीने का काम आता है, कभी भी गांव में जाओ तो पी लेना, कंफ्यूज मत होना। फिलहाल भाई पूरे सीताफल तोड़ के हमने हमला कर दिया था जंगल में, और जंगल में हमला जितना करना था हमने कर लिया, ज़्यादा हमला नहीं करना। अब दूसरे लोगों के लिए भी कुछ सीताफल हम जंगल में रहने देंगे, ज़्यादा जंगल घूमे नहीं है, 4-5 पेड़ घूमे थे वहाँ से। भाई कम से कम हमने 10 किलो यहाँ पर सीताफल तोड़ा है और अभी घर पर निकल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस में इस चैनल पर लाने वाला हूँ। मैं कहाँ पर घूमता हूँ, जंगल में किधर जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमता रहता हूँ, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, और इंडिया में घूमने जैसे कुछ आपको हिडन प्लेस बताऊँगा। तो भाई अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।